हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस BCM PCB। बच्चों, आज के लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि क्लास ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या, तो हमारा टॉपिक रहेगा डाई एथिल ईथर बनाने का लैबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड, यानी लैब में हम डाई एथिल ईथर कैसे बनाते हैं। तो इस लेक्चर को बहुत ही आराम से देखिएगा और बहुत ही आसान तरीका मैं बताने वाला हूँ, बहुत ही अच्छे से समझा दूंगा। एक बार अगर आप इसको समझ लेंगे डाइग्राम को, तो फिर आपको बहुत ही अच्छे से यानी बोर्ड एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, अब सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हमारा टॉपिक है लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर को लैब में कैसे बनाते हैं। ठीक है बच्चों, देखो लैब में डाई एथिल ईथर बनाने के लिए सबसे पहले ये डायग्राम आपको दिख रहा है। इस डायग्राम में कौन कौन सी चीज़ें हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले एक स्टैंड लिया गया, ये इस स्टैंड से इस फ्लास्क को सेट कर दिया गया है। नीचे बर्नर लगा दिया गया जिससे यहाँ पर इसको गर्म किया जाएगा और इस फ्लास्क को सैंड बाथ के ऊपर रखा जाएगा। ठीक है, सैंड मतलब ये बालू से भरा हुआ है। ठीक है, सैंड बाथ के ऊपर रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक थिसिल फनेल लगा देंगे और उस थिसिल फनेल में हम एथिल एल्कोहल ले लेंगे और यहाँ पर एक छोटा सा थर्मामीटर लगा देंगे। ये थर्मामीटर क्या होगा, टाइम टाइम पे हमें टेम्परेचर मेंटेन करने में, या टेम्परेचर इससे हमें पता चलता रहेगा कि टेम्परेचर कम तो नहीं हुआ या फिर कम टेम्परेचर ज़्यादा तो नहीं। उसके बाद में यहाँ पर एक पाइप लगा हुआ है, इस पाइप से जो हमारा डाई एथिल ईथर है यहाँ से होता हुआ, दो एडाप्टर लगे होंगे, एक ये एडाप्टर लगा, एक ये एडाप्टर लगा, और यहाँ पर क्या है, एक कंडेंसर लगा हुआ है। यहाँ पर एक साइड से कैसा पानी, कोल्ड वाटर डालेंगे और इधर से गर्म पानी निकलेगा, हॉट वाटर निकलेगा। ठीक, इसको भी एक स्टैंड से हमने फिट कर लिया। ठीक है, यहाँ पर एक रिटॉर्ट रखा हुआ है, एक बर्तन रखा हुआ है। ठीक है, इस बर्तन में जो बड़ा वाला बर्तन है उसके अंदर यहाँ पर आइस रखी हुई है और उसके अंदर एक छोटा सा रिटॉर्ट टाइप का रखा हुआ है जिसमें यहाँ से आने वाला डाई एथिल ईथर क्या होगा बच्चों, स्टोर होगा और उसको कुछ इस तरीके से फिट कर दिया जाता है। अब हम मेथड जानेंगे कि इसमें किस प्रोसेस यानी कैसे बनेगा। ठीक, सबसे पहले देखो, सबसे पहले बच्चों क्या होगा कि ये जो राउंड फ्लास्क है, ये गोल पेंदी का जो फ्लास्क आपको दिख रहा है, इस फ्लास्क के अंदर हम लेते हैं एथिल एल्कोहल और कंसनट्रेटेड H2SO4। ठीक, क्या एथिल एल्कोहल और कंसनट्रेटेड H2SO4, इसका जो रेशियो होता है वो 2:1 होता है। ठीक, इस रेशियो में हम इन दो चीज़ों को यहाँ पर ले लेंगे। ठीक, और ऊपर देखिएगा यहाँ पर थिसिल फनेल लगी हुई है जिसमें हमारा एथिल एल्कोहल यहाँ पर रखा हुआ है और ये धीरे धीरे यहाँ से होता हुआ नीचे गिरता रहता है। ठीक है, ऐसे। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि एक राउंड फ्लास्क लिया, उस फ्लास्क में हम क्या लेंगे, 2:1 के फॉर्म में हम क्या ले लेंगे बच्चों, यहाँ पर एथिल एल्कोहल और कंसनट्रेटेड H2SO4 लेंगे और फिर इस फ्लास्क को हम यहाँ नीचे बर्नर की हेल्प से गर्म करेंगे, हीट करेंगे। तो बर्नर से जब हीट करेंगे तो ये रखा किस में, सैंड बाथ में। अब देखो यहाँ पे टेम्परेचर 100 to 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। ठीक है, तो इसको हम सैंड बाथ पर ही गर्म करेंगे। ठीक है, तो जब इसको हम गर्म करते हैं तो इसमें प्रेजेंट एथिल एल्कोहल कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक, और रिएक्शन करने के बाद में यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर यहीं पर बनेगा डाई एथिल ईथर की जो वेपर फॉर्म में बनेगा। ठीक, तो डाई एथिल ईथर फिर यहाँ से होता हुआ, इस पाइप से होता हुआ, ठीक, यहाँ से ये डाई एथिल ईथर इधर से होता हुआ, इस ये जो एडाप्टर लगा हुआ है यहाँ पर, इधर से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ आगे की ओर बढ़ेगा। ठीक, अब वो जो डाई एथिल ईथर है यहाँ से जैसे ये आगे बढ़ेगा तो भाई ये गर्म है तो इसको कंडेंस करना है, तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, एक यहाँ पर इस तरीके का कंडेंसेशन लगा देते हैं। ठीक, जिसमें हम क्या करते हैं, एक साइड से ठंडा पानी भेजते हैं और दूसरे साइड से वो पानी गर्म होकर के बाहर निकल जाता है। कैसे भाई, यहाँ से ये वेपर जब जाएगी ना तो वेपर्स फॉर्म में, तो नीचे से ठंडा पानी भेजेंगे तो ये पाइप पूरा ठंडा हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, ये पूरा पाइप ठंडा हो जाएगा और जब ये ठंडा हो जाएगा तो यहाँ पर ये क्या होगी, जो हमारी डाई एथिल ईथर है वो लिक्विड फॉर्म में हो जाएगी। ठीक, यहाँ तक समझ में, और ये गर्म पानी निकलता रहेगा, इधर से ठंडा पानी कंटिन्यूस हम लोग भेजते रहेंगे जिससे क्या होगा
कि यहाँ ये लिक्विड फॉर्म में हो जाएगी। फिर ये इस एडॉप्टर से, ये जो एडॉप्टर से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ इस बर्तन में, ये जो बर्तन रखा हुआ है इसमें जा करके डाईएथिल ईथर स्टोर होगा, और इसके चारों ओर आइस लगा देते हैं पूरी तरीके से, ताकि ये अच्छे तरीके से ठंडा बना रहे। ठीक, तो यहाँ पे डाईएथिल ईथर जो होगा वो हमारा स्टोर होगा। अब बच्चों आगे बात करेंगे, अब इस ईथर में क्या होगा कि इसमें बहुत सारी इम्प्यूरिटीज़ होंगी। किसकी इम्प्यूरिटीज़ होंगी? तो जैसे यहाँ से कंटिन्यूस एथिल एल्कोहल टपकता रहेगा, तो एथिल एल्कोहल की इम्प्यूरिटीज़ होंगी। ठीक, फिर उसके बाद में इसमें H2SO4 था, उसकी भी इम्प्यूरिटीज़ होंगी। तो ये इम्प्यूरिटीज़ इन इस वाले फ्लास्क में जो डाई एथिल ईथर हमें मिलेगा उसमें प्रेजेंट होंगी। अब इन इम्प्यूरिटीज़ को कैसे हम अलग करेंगे? तो इन इम्प्यूरिटीज़ को बच्चों अलग करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें क्या मिला देंगे, इसमें हम NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला देंगे। ठीक, जैसे ही हम इस लिक्विड में NaOH मिलाएंगे तो इसमें दो लेयर्स आ जाएंगी। ठीक, दो लेयर कौन कौन सी आ जाएंगी? तो हम जैसे ही क्या करेंगे बच्चों, इसको मिलाएंगे तो इसमें हमें क्या मिलेगा, दो लेयर आ जाएंगी। दो लेयर होगी। ठीक, अब यहां पर जब NaOH आप मिलाओगे बच्चों ना, तो यहां पर प्योर करने के लिए यहां पर दो लेयर बनेगी। सपोज करो एक नीचे एक ऊपर, तो जो ऊपर वाली लेयर होगी वो H2SO4 की होगी प्लस एल्कोहल की होगी, और जो नीचे वाली लेयर होगी वो ईथर की होगी। और यहीं से हम क्या करते हैं, ईथर को ईथर लेयर के थ्रू, यानी ईथर को हम यहीं से अलग कर लेते हैं, और इस तरीके से हम ईथर को अलग करके रख लेते हैं। ठीक, अब हम रिएक्शन के बारे में देखेंगे बच्चों। रिएक्शन में क्या होगा, तो देखो एथिल एल्कोहल और H2SO4 तो आपको पता है कि फ्लास्क में हमने क्या लिया था, एथिल एल्कोहल और कंसंट्रेटेड। अब देखो यहाँ जो ईथर होगा वो कंसंट्रेटेड H2SO4 होगा। इसको जब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर बच्चों जब हम गर्म करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बना? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और H2O बना। ठीक, फिर देखो, अब देखो इसमें हम बार बार H2SO4 मिलाएंगे नहीं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है कि बार बार हम इसके अंदर ऐसा नहीं कि H2SO4 बार बार मिला रहे हैं। ठीक, फिर क्या होगा, अब आपको पता है कि यहाँ से क्या होता है, यहाँ एथिल एल्कोहल इस थिसिल फनेल में भरा हुआ है, तो ये धीरे धीरे बूंद के रूप में यहाँ पर टपकता रहेगा। तो फिर क्या होगा कि जो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट होगा वो क्या होगा कि एथिल एल्कोहल के साथ, फिर से एथिल एल्कोहल के साथ ये क्या करेगा, 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जब ये हीट होगा तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों वो डाई एथिल ईथर होगा। ठीक, क्या बनेगा, डाई एथिल ईथर, और साथ में देखो H2SO4 बनना है, तो मतलब यही H2SO4 और यही ईथर की इम्प्यूरिटीज़ भी आगे हमें अलग करना है। ठीक है, तो समझ में आया होगा आपको, बहुत ही आसान तरीका है, इससे आसान तरीका आपको और कहीं नहीं मिलेगा। तो बहुत ही आसान तरीका है बच्चों कि लैब में हम डाई एथिल ईथर को कैसे बनाते हैं, तो बहुत आसान तरीका आपने समझ लिया होगा, और अगर समझ लिया और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करिएगा। आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम डाई एथिल ईथर बनाने की कुछ और जो मेथड होते हैं उनको जानेंगे, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी जानेंगे। तो थैंक यू फॉर दिस क्लास।